मिमी मैं तेरे तो एक गर्ल लुक हुई है, मैं तेरी रियल मॉम नहीं है। सो मैं बनाने वाली हूँ चना दाल लौकी ऐड करके, पर लौकी बड़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ी ही यूज़ करी हूँ, लाइक हाफ, और हाफ के मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ। वो मैं आज ही कुक नहीं करूँगी, पर उसको फ्यूचर में करूँगी, और इसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब आपको समझ नहीं आए कि कौन सी सब्ज़ी कुक करें, आप फ्रीज़र से निकालें और कुक कर लें। और इसमें मैंने घिया डाली है क्रश करके। अब इसमें हम जीरा एंड कोरिएंडर सीड्स डाले हैं, सॉल्ट, पेपर और बाकी मसाले। इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, पेपर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। कोई पूछ रहा था कि कौन सा गरम मसाला डालते हो, मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन ताकि बाइंड हो जाए, और बॉइल्ड पोटैटोस क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं माइक्रोवेव में मैं पोटैटोस को बॉइल कर रही हूँ। और मैंने कढ़ाई रख दी है फ्राई करने के लिए, सो इसको हम करके रख लेंगे फ्यूचर के लिए ताकि हमारी लौकी वेस्ट नहीं हो। अगर आप ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो फिर फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा ख़राब। इसे मैं कोफ्तों में कन्वर्ट करके रख लूँगी। सो मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, अब इसको करेंगे क्रश, एंड देन बेसन ऐड करके अच्छी सी कोफ्ते की बॉल्स बना लेंगे। सो इस तरह का तैयार हो चुका है बैटर, अब इसको बॉल्स में कन्वर्ट करके हम फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे। सो मैं हिम्मतन हस्बैंड को देने के लिए गई थी बेसन के लड्डू खाने, पर वो मेरी गलना चाहिए नहीं, ऑयल गर्म ही नहीं हो रहा। मैं दाल अ लिटिल बिट कुक हो गई है, बस थोड़ी सी उसी में मैं लौकी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम तड़का लगा लेंगे लेटर। मेरे हस्बैंड को ये दाल बहुत अच्छी लगती है फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई। लौकी मैंने बाद में इसलिए ऐड की है क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगी क्योंकि बहुत फ्रेश है, अदरवाइज फिर आटा हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मिलेगी नहीं, किधर गई लौकी, गुम जाएगी। और हमारे कोफ्ते भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। सो कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अब इसको ठंडा होने देंगे, पहले फ्रिज में रख देंगे। अगर कल कुक नहीं करूँगी देन अब मैं इसे फ्रीज करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट की है ये वाली, जो कि मुझे अच्छी लगी है, पर ये जो येलो है थोड़ा पैची किस्म का था, पर अगर अच्छा येलो होता तो और मज़ा आता। अगर आपने ये मेकअप लुक अभी तक नहीं देखी है तो शायद मेरे चैनल पर नहीं होगी, अगर ऑलरेडी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ मज़ेदार है, बस थोड़ा येलो पैची है पर वो इतना नोटिस नहीं हो रहा, थोड़ा सेटल डाउन हो गया। सो यस, अब क्या करने वाली हूँ मैं, एक्चुअली मेरा प्लान एक और वीडियो को शूट करने का था पर लग रहा है वो कैंसिल हो रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ। और हस्बैंड एंड हिम्मत को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि शोर ना मचाओ, मुझे काम करने दो काम करने दो, पर वो बहुत शोर मचाते हैं। सो आई गेस आई एम गोइंग डाउन स्टेयर नाउ, आई हैव टू शो माई मेकअप टू देम, और उसके बाद मैं शायद रिमूव करने वाली हूँ। सो यस, इट्स टाइम टू गो डाउन। ओके, मैंने येलो ड्रेस पहनी है क्योंकि वो मेरे मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, एंड आई नीड टू टेक रिव्यूज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। डैड इज एन इंटरेस्टेड नहीं होना, हिम्मत बेचारा होगा थोड़ा बहुत। गाइस, आई एम वेयरिंग येलो मेकअप। यू गाइस लाइक इट? यू लुकिंग लाइक अ बम्बलबी टुडे। नो, यू लुक लाइक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई? यू आर बिकमिंग येलो। ओह, पांडा। मिमी, आई टोल्ड एवरीबॉडी बटरफ्लाई महत्व महत्व क्यों ना महत्व आए नु पा के बंदा रब नु प्यारा हो जांदा। क्या मैं इतनी बढ़िया बन गई हां, बन्ना मेरा महत्व पूछ दिया यार, दी तैयार हो गई। महत्व महत्व पति नु पीलियां आंखां च डुबोना, पीलियां कराना, पति नु पीलियां कराना।
ओके मैं तो डांस परफॉर्म करके देनी हूँ। बस ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। दोस्तों तो हस्बैंड के रिव्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उन्होंने कहा है कि तेरे मेकअप लुक दी महत्व की है। महत्व हूं मैं की दसा ये कोई पेपर चलन दिया महत्व दसा तो मैं महत्व आ गई जेड़ा रंग तुम्हें चंगा लग रहा अपनी अखा ला लो हो महत्व हो सकता तुडे घर मेकअप में महत्व आता टाइम पास करना क्वारंटीन च हूं मैंने बकरा भी तो चाहिए कोई बहुत सारी मैस है इसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। बहुत सारे ब्रशेज जो ऑलरेडी क्लीन करने के लिए जाने वाले हैं और बाकी सारी चीजा भी इतो क्लीन हो गई हूँ। सो यस ये काम करने वाली हूँ मैं फिलहाल के लिए और हस्बैंड एंड हिम्मत और आराम करने। गुड नाइट गाइस। ओके दोस्तों तो हिम्मत ये रिबन कहाँ से ढूंढ के लेके आया और मुझे कह रहा कि तुम पहन लो तुम पूरी बटरफ्लाई लगोगे। और मैं और हिम्मत ने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की हैं हमारे इंस्टाग्राम के लिए। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आप हमारी पिक्चर्स देखना चाहते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अब मैंने ब्रशेस को इकट्ठा कर लिया है जो मुझे वॉश करने के लिए लेके जाने हैं और मैं कपड़े चेंज करने वाली हूँ। अर्लियर मैं मेकअप भी रिमूव करने वाली थी बट मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रहने देते हैं और मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए और क्लीनिंग करूंगी। नीचे भी मैंने क्लीनिंग किया ब्रेकफास्ट करने के बाद। जब मैं शूट करती हूँ मेरे यूट्यूब के लिए तो हमेशा मुझे 3-4 बज जाते हैं और यह सारा गड़बड़ा जाती है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। हिम्मत ना टच कर तेरी ना उंगलियां चबा जाना बहुत हार्ड है। मेरे रूम दी चीजें तो दूर जा कर तू अपने रूम च टाइम स्पेंड करिया कर ना थोड़ा जा कर नो नहीं अपनी चीजें ना प्ले कर। फाइनली आई एम डन एंड मैंने ब्रशेस भी इकट्ठे कर लिया और मेरी इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स भी क्लिक कर लिया। अब मैं डाउन स्टेयर जा रही हूँ और थोड़ा नीचे क्लीन करती हूँ और कुछ खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे मैंने लंच में एक रोटी खा ली थी अब 5 बज रहे ऑलरेडी। सो आप फ्रूट्स खा लेते हैं एंड चाय पी लेते हैं चलो चलिए। ओके दोस्तों तो मैं हूँ डाउनस्टेयर्स। कितनी देर से मैंने वीडियो बनाई नहीं है वो इसलिए क्योंकि मैं घर की क्लीनिंग करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं मेरा फ्लोर कितना चमक रहा है क्योंकि मैंने किया है मॉप एंड ब्रूम सारे एरिया में एंड वैक्यूम भी किया है। हस्बैंड अपस्टेयर्स समय स्पेंड कर रहे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं शायद और हिम्मत उन्हीं के पास था अभी आया है। और अब मेरा प्लान है कि मैं मेरे मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर लेती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आज डिनर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि अर्लियर मैंने दाल बना ली थी उसी के साथ मैनेज कर लेंगे या उसके साथ कोई ड्राई सब्जी बना लेंगे क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। सो ब्रशेस को क्लीन करके रखने के लिए मैं लेके आई हूँ तौलिया साफ़ सुथरा क्योंकि मुझे मेरे ब्रशेस हाइजीनिक चाहिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी मेकअप वीडियोस और बहुत सारा चीज़ें करनी है मुझे। मुझे मेकअप ब्रशेस वैसे भी हर हफ्ते क्लीन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरी स्किन पे क्या जा रहा है। सो यस ये काम करते हैं। अब मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है और मुझे सारा कुछ बहुत क्लीन एंड शाइनी है। और किसी का कमेंट पड़ा था मैंने कि हमने कॉफ़ी टेबल कहाँ से लिया है। कॉफ़ी टेबल हमने लिया है होमसेंस से। और कोई पूछ रहा था कि रेड चेयर कहाँ से ली है एंड ये साइड टेबल्स कहाँ से हैं। साइड टेबल्स एंड रेड चेयर एंटीक स्टोर से है ओकवर में है वो एंड ये कॉफ़ी टेबल है होमसेंस से। सो यस ब्रशेस को क्लीन करते हैं या ए लड़के को कुछ करते हैं इसके साथ। मीमी योर मॉमी इज अ बैड गर्ल। नो या शी इज आई गोना हिट हर। You are, Mom. I'm not mommy. I'm gonna tell you the truth. मैं तेरे से गल कोई या हिम्मत। I'm somebody else. Who are you? Yes, मैं तेरी real mom नहीं हूँ। Mimi, मैं तेरे से गल कोई या बहुत साला तो। Just pretend he's kidding. No, मैं kidding नहीं कर रही। Yeah, guys, she's kidding. Look at the house.
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ 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 ਦੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਧੋਏ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਇਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣਾ ਸਮਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਬ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗਸ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਔਰ ਵਲੋਗਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਰ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਔਰ ਵਲੋਗਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਮੰਨਾ ਸਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਸ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਭੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਆਏ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਹੋ ਔਰ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੋ ਸੋ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਤਬ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹਮ ਇਸ ਸੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦੇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ ਫੇਵਰਟ ਮੈਂ ਫੇਵਰੇਟ ਐਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਦੋ ਫੂਡ ਦੱਸ ਚਿਕਨ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਮਾਈ ਰਾਈਸ ਰੈਡ ਰਾਈਸ ਯੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਰਾਜਮਾਨ ਰੋਟੀ ਓਕੇ ਮੀਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਫੇਵਰਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੱਸ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਹਾਂ ਟੈਲ ਮੀ ਔਰੰਜਸ ਔਰੰਜਸ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਵੀਟ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਚਾਕਲੇਟਸ ਸਕਿਟੋਸ ਸਕਿਟੋਸ ਓ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਐਂਡ ਜੈਮਸ ਜੈਮਸ ਔਰ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਸ ਟੂ ਗੰਬਲ ਗੰਬਲ Teen Titans. All right. At the same video, at the same, like Cartoon Network. Cartoon Network. Okay, good job. And Mimi, the best friend's the name does. No best friend does they. Saad, Kaden. Kaden, good job. And tu duniya ji sab to zyada kenu pyar karda? You. Number two te kona? Daddy. Oh, we forget one more. Okay, one more. Kiki. And one more? Nani. And one more? Mommy and Daddy. Good job. From India. Yes. Mommy and Daddy matlab Himmat ki dadi dada. Good job. That's it. Thank you very much for coming to the show. We appreciate. Yay! Bravo! 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 Dosto, ye thi little si interview Himmat ki. Himmat ne kafi khubi se answer diye hai. तो काफी अच्छे लगे हमें इसके आंसर अब प्लीज गो फ्रॉम हियर योर शो इज फिनिश्ड ओके एक्सक्यूज मी योर शो इज फिनिश्ड ओह मैन दिस गेस्ट इज सो चिपकू सो इसमें है मेकअप ब्रशेस मैं बॉक्स में डाल के ले आई थी और ओके सो ये ब्रशेस को क्लीन करने वाली हूँ मैं ऑलिव ऑयल एंड डिश वॉश सोप के साथ अगर आपका डिश वॉश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप बेबी शैम्पू के साथ कर सकते हैं पर मैं इसी के साथ करूँगी और प्रोसेस को शुरू कर दे क्योंकि इसको काफ़ी समय लगेगा काफ़ी सारे ब्रशेज़ है ये पर एक्चुअली मैं सारे ब्रशेज़ नहीं कर रही हूँ पर मुझे लगता है ये इतने ही गंदे हैं सारे ब्रशेज़ तो गंदे भी नहीं है मेनली जो मैं ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ टावल भी छा लिया यहाँ पे सो प्रोसेस को शुरू करते हैं इसके मेरे ब्रशेस को मैं कैसे क्लीन करती हूँ इस पर स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने की कोशिश करूँगी ज़रूर से सो ब्रशेस सारे क्लीन हो चुके हैं I'm happy. Okay, दोस्तों तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें कमेंट बार में जरूर कुछ ना कुछ बताएं मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैं मिलूंगी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट बाय लालू